Hi everyone, welcome again in my new video. Actually SAP video series का last video है जिसमें हम general entry posting and काफ़ी कुछ हम देखने वाले हैं। तो इस video में हम देखेंगे, हमने last video में देख लिया था, हमने create कर लिया था GL account को। अब इसमें हम posting करेंगे एंड line item display, account balance, ये सब चीज़ें अब मैंने आपको देखना सिखाऊंगा। तो जब हमें कोई एंट्री पोस्ट करना होता है तो एंट्री पोस्ट करने का दो तरीका है, एक तो FB50 से भी हम कर सकते हैं और एक F-02 होता है, ठीक है। तो पहले मैं FB50 से करता हूँ बिकॉज FB50 ईजी है, आपको समझने में भी आसानी होगी और आप जल्दी समझ जाओगे। मैं यहाँ से FB50 करता हूँ, ये हमारे पास खुल चुका है, लेकिन अभी यहाँ पे सॉरी ONGC का कंपनी सेलेक्ट हो रखा है तो हमें कंपनी चेंज करना पड़ेगा यहाँ से एंड कंपनी को हमें अनो करना पड़ेगा। ये हमारी कंपनी चेंज हो गई है, तो चलो डॉक्यूमेंट आज का ही डालते हैं। ओके मैंने डाल दिया है और मैं दो GL लूँगा, एक बगल में मेरे को अपने GL का भी खोलना होगा बिकॉज मुझे याद नहीं रहता ज़्यादा GLs के बारे में। तो मैंने जो GL अकाउंट क्रिएट किया था वो FS00 से किया था, ये आ चुका है। तो हमने एक लायबिलिटी का GL खोला था, एक्सपेंसेस का, कैपिटल का। ओके तो सबसे पहले हम एक एंट्री करते हैं कैश और कैपिटल का, बिजनेस में पैसा लेके आते हैं, जस्ट बेसिक सा एंट्री है। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा तो कैपिटल अकाउंट होगा। तो हमारा कैश अकाउंट का जो GL है वो है 2 लाख, यहाँ GL अकाउंट डाल दो 2 लाख, ठीक है। और दूसरा हमारा GL अकाउंट है 1 लाख एंड ये कैश अकाउंट है तो डेबिट हो रहा है और ये हमारा क्रेडिट हो रहा है। और यहाँ पे हमने अमाउंट डाल दिया, चलो 10 लाख डाल देते हैं, एक ये 10,000, 1 लाख, 10 लाख। ओके एंड अब हम इससे और तो कुछ करना नहीं है, इंटर डेट फॉर्मेट, ओके ओके, डॉक्यूमेंट डेट 29/08/2020, ठीक है। ग्लोबल कंपनी इज नॉट सपोर्टेड, ये ग्लोबल कंपनी पहले बनाना पड़ेगा यार। ग्लोबल कंपनी बनाने के लिए एक सेकेंड, हमने NOX ग्लोबल कंपनी यहाँ से हमारा कंपनी गायब हो गया। चलो अब चलते हैं FB।
फिर से करते हैं डॉक्यूमेंट के थ्रू। मैंने जीएल जाना, एक तो 1 लाख है, एक तो 2 लाख था, तो 2 लाख को पहले करो डेबिट और 1 लाख को करो क्रेडिट। इसको मैंने डेबिट कर दिया, इसको मैंने क्रेडिट कर दिया, तो मैंने अमाउंट लिख दिया 1 लाख 10 लाख। ओके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो हमारा डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया, डॉक्यूमेंट 1000 वाज पोस्टेड इन कंपनी कोड अनु, यानी हमारे बुक्स में कैश भी आ चुका है और कैपिटल भी आ चुका है। अब ये आप चेक कैसे करोगे? ठीक है, तो चेक करने के लिए हमारे पास एक ट्रांजेक्शन कोड है, जिससे आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट सारे लेजर्स को आप चेक कर सकते हो। लेजर्स को चेक करने का FBL3 लाइन आइटम डिस्प्ले ना FBL2। तो मैं एक न्यू सेशन खोल देता हूँ, FBL3M। अब यहाँ पे देखो आपको कोई अकाउंट सिलेक्ट नहीं करना है, मतलब आप सारे अकाउंट्स को चेक करना चाहते हो, सिर्फ कंपनी कोड पे करो एंड यहाँ पे ऑल आइटम्स पे क्लिक करो। बिकॉज हमें सारा डाटा देखना है, जो मतलब जिसकी पोस्टिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, ओपन आइटम और क्लोज आइटम दोनों को देखना है। एंड यहाँ पे एक एक्सक्लूड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करो। एंड यहाँ पे आप देखोगे एक हमने एंट्री पास किया है, ये कैपिटल अकाउंट में आ रहा है 1 लाख। ओके एंड एक 1 लाख का आ रहा है कैश अकाउंट में। ठीक है, तो कैश अकाउंट में आ चुका है 1 लाख एंड 10 लाख आ चुका है और 10 लाख कैपिटल अकाउंट में भी आ चुका है। अगर आपको इस एंट्री का डिटेल्स चेक करना है तो आप इस पर क्लिक करो। एक सेकेंड, इस डॉक्यूमेंट पर हमने क्लिक किया एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पहाड़ का फोटो बना हुआ है ना, कॉल अप डॉक्यूमेंट ओवरव्यू, इस पर आप क्लिक करो। आप यहाँ देख सकते हो ये एंट्री आपके पास दिख गई, यहाँ आपने कैश को डेबिट किया है एंड कैपिटल को क्रेडिट किया है। ओके, ये आपकी एंट्री बन चुकी है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, आप इसको देख सकते हो। और भी इसके डिटेल देखना है आप फिर से आप इस पर क्लिक करो एंड ये टोपी पे आप क्लिक करोगे तो ये दिखेगा किसने इसकी एंट्री पोस्ट की है, रेफरेंस की, पोस्टिंग डॉक्यूमेंट, इससे रिलेटेड सारे, आपने कौन सा टी कोड भी यूज किया वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, करेंसीज सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये थी एंट्री कैसे पोस्टिंग होती है। इसके अलावा एक दो एंट्री और हम पोस्ट करते हैं। अब मैं आपको एक तो मैंने इस तरीके से बता दिया एंट्री पोस्ट करने का, लेकिन हमारा हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। जब मैं यहाँ पे बिकॉज यही आपका एलिमेंट है जिसके लिए आप एक क्लासेज आप सब देख रहे हो, तो यहाँ से फिर से मैं एक एंट्री करता हूँ रेंट का। अब जैसे रेंट हमारा क्या है, 4 लाख का है ना, 4 लाख को डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं 1 लाख को, 1 लाख है ना, सॉरी 2 लाख, 2 लाख हमने क्रेडिट कर दिया, 4 लाख को डेबिट कर दिया, 2 लाख हमने क्रेडिट कर दिया। ओके, अमाउंट इन डॉक्यूमेंट हम 10,000 हम डाल देते हैं, स्टार कर देते हैं। ओके, अब क्या होगा, आप इसको एंट्री कर दो, इंटर कर दिया। इंटर करने से सारे ट्रांजेक्शन आ चुके हैं। यहाँ पे आप सैमलेट दिख रहा है आपको, सैमलेट पर क्लिक करोगे तो आपको पोस्टिंग होने से पहले दिख जाएगा कि आपने जो एंट्री पोस्ट की है, यहाँ पे 40 दिख रहा है यानी रेंट डेबिट हो रहा है और 50 का मतलब कैश आपका क्रेडिट हो रहा है। तो आप यहाँ पे आप एंट्री आप पहले ही आप देख सकते हो कि आप जो एंट्री पोस्ट कर रहे हो वो एंट्री सही पोस्ट हो रही है या फिर सही पोस्ट नहीं हो रही है। यहाँ पे कंपनी कोड, फिजिकल ईयर, कौन से पीरियड का है, पोस्टिंग डेट, सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। आपको लगता है कि हाँ सारा कुछ सही है, देन आप यहाँ पे क्या करो, सेव पे क्लिक करो, यानी ये एंट्री क्या होगी, आपकी पोस्ट होगी। तो इस तरीके से आप एंट्री पोस्ट करने से पहले भी आप चेक कर सकते हो कि आप जो एंट्री पोस्ट कर रहे हो वो सही एंट्री पोस्ट हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो मैंने आपको एंट्री पोस्टिंग करना सिखा दिया है। एक एंट्री और मैं तरीके से आपको एंट्री पोस्ट करना सिखाता हूँ, जो लाइन आइटम यहाँ पे F-02 है, N-F-02। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एंट्री पोस्ट होगी उसके लिए आपको क्या चाहिए, पोस्टिंग की चाहिए होगा, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था लास्ट वीडियो में। और अभी जब भी आपने ट्रांजेक्शन पोस्टिंग की तो वहाँ पे एक पोस्टिंग की 40 आ रहा था और एक 50 आ रहा था, तो सेम हम यहाँ पे भी अब हम देखेंगे। अब हम पोस्टिंग की से हम पोस्ट करेंगे। यहाँ पे हमने डेट सेलेक्ट कर दिया एंड ऑलरेडी यहाँ पे करेंसी, कंपनी सब कुछ सिलेक्ट है, तो हमें इसमें कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पे देखो पोस्टिंग की आप यहाँ से जाके आप देख सकते हो, अगर आपको देखना है
तो 40 क्या होता है, 40 डेबिट के लिए होता है पोस्टिंग को। यहाँ पे आप क्लिक करो और यहाँ पे देख सकते हो डेबिट एंट्री, यानी आपको डेबिट किसको करना है, आप यहाँ 40 में डाल दो। सपोज मैंने एक अलग से मैंने अकाउंट खोला था, कौन सा, एक मैंने सैलरी का खोला था, तो मैंने सैलरी को डेबिट करना है, तो 4,01,000 कर दिया, ये मेरा सैलरी डेबिट हो रहा है। इसके अलावा मुझे एक और एंट्री, सैलरी को मैंने 20,000 लिख दिया, 20,000 से सैलरी डेबिट हो जाएगा। इसके अलावा मुझे एक और एंट्री को इसमें साथ में डेबिट करना है, कंपाउंड क्या बोलते हैं, मेरे को ये भी मैं भूल गया, जो मोर देन वन ट्रांजेक्शन की एंट्री साथ में करते हैं। इसके अलावा मैं रेंट को भी डेबिट करता हूँ 4,00,000। अरे यार 4,00,000 रेंट हो गया। ओके एंड फिर से आप इंटर करो, रेंट का अमाउंट डाल दो आप 20,000 इसका भी। यहाँ पे आप टैक्स लिख सकते हो, टैक्स मैंने ना कंपलसरी नहीं किया था, आपको मैंने याद करवा दूँ, मैं फील्ड स्टेटस में मैंने किसी को भी कंपलसरी नहीं किया था। अगर मैंने वहाँ पे कंपलसरी किया होता तो ये फील्ड ना कंपलसरी मांगता टैक्स मेरे से, बिना टैक्स डाले हुए इनकी पोस्ट ही नहीं हो सकती। ठीक है, अब मैं 50 डालता हूँ यहाँ पे और कैश को मैं क्रिएट करता हूँ। कैश मेरा कितना है, 2,00,000 का है अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे फिर से मैं नेक्स्ट पेज पे गया, यहाँ पे बस स्टार डालूंगा, एंट्री आ गई। अब आप यहाँ पे आप एंट्री को देख सकते हो कि एंट्री बनी क्या, देखो तो सैलरी डेबिट हो रहा है, रेंट डेबिट हो रहा है और कैश अकाउंट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो कैश अकाउंट क्रिएट हो रहा है तो कैश माइनस हो गया, और ये दोनों डेबिट हो रहे हैं तो ये दोनों प्लस हो गया। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि हाँ आपकी एंट्री सही बनी है, जस्ट आप इसको क्या करो, यहाँ से सेव कर दो। ठीक, ये एंट्री आपकी क्या हो गई, पोस्ट हो गई। तो मैंने आपको दोनों तरीके से एंट्री पोस्टिंग करना मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, अब आपको अपनी लाइन आइटम को चेक करना है कि यार आपने जो एंट्री पोस्ट की है उसका लेजर में इफेक्ट क्या जा रहा है। सारी एंट्रीज का मैं आपको दिखा देता हूँ, FBL3N, ये आपका टी कोड है, ये ऐसे लेगा नहीं, NFBL3N ये आ चुका है। यहाँ पे जस्ट आपको ऑल आइटम्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको एक्सक्लूड करना है। अब यहाँ पे देख सकते हो, एक तो आपका कैपिटल का अकाउंट आ चुका है, कैश का भी अकाउंट आ चुका है। आपके पास कैश में कितनी बैलेंस बची हुई है, 9,50,000। एक तो आपने 40,000 का भी आपने एंट्री पोस्ट किया था और इससे पहले आपने 10,000 का एंट्री पोस्ट किया था। ठीक है, एंड सेम साइमल्टेनियसली आप नीचे भी आ सकते हो। ये आपका रेंट का अकाउंट है, जो आपने रेंट 10,000 का पोस्ट किया था पहले एंड फिर आपने 20,000, और फिर नीचे सैलरीज का भी अकाउंट आ गया, इसकी भी बैलेंसेज आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप बैलेंसेज को आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा भी है बहुत सारी चीज़ें, मैं आपको बता देता हूँ साथ के साथ। अब अकाउंट बैलेंसेज एक और हमारा, हम अपनी लेजर वाइज भी बैलेंस चेक कर सकते हैं, FVFS10N। यहाँ पे आप करोगे NFS10N, मैंने किया। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे क्या करना है, बस एक्सक्यूट करना है, मुझे लेजर नहीं सिलेक्ट करना है, एक सेकंड, मुझे लेजर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं 1,00,000 से जो मैंने लेजर बनाया है, और यहाँ पे मैं लास्ट लेजर क्या है, 4,01,000, 4,01,001 कर देता हूँ, इसको मैं एक्सक्यूट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट का यहाँ पे आप देख सकते हो बैलेंस दिख रहा है। ठीक है, 5th मंथ का इन्होंने दिखा रखे हैं बैलेंस। तो आप इस तरीके से आप बैलेंस आप चेक कर सकते हो, लेकिन मुझे सिर्फ एक पार्टिकुलर अकाउंट नंबर है, सिर्फ एक पार्टिकुलर अकाउंट में सेलेक्ट करता हूँ, मैं सारे अकाउंट्स नहीं सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं एक्सक्यूट करता हूँ, तो जो हमारा 1,00,000 अकाउंट है कैपिटल का है, अब देख सकते हो आप कैपिटल में पूरे साल में जो बैलेंस है अभी तक हमारे पास वो 1,00,000 का है, सॉरी 10,00,000 का है। 10,00,000 का बैलेंस जो हमारे पास ओपनिंग में आया था वही बैलेंस अभी तक हमारे पास, कोई और ट्रांजेक्शन नहीं हुई इस अकाउंट से। सेम लाइक दिस आप यहाँ पे आप चेंज करके आप देख सकते हो, आपको किसी और अकाउंट को देखना है तो यहाँ पे फिर आप जाओ, यहाँ पे आप 2,00,000 करो, जैसे हम कैश का देखना चाहते हैं, एंड फिर से आप एक्सक्यूट कर दो। देख सकते हो कैश में क्या हुआ था, 10,00,000 तो आया था और 50,000 क्रेडिट हुआ है। एक तो हमने 40,000 का एंट्री मारा था और
और एक हमने 10,000 का अलग से एंट्री पोस्ट किया था। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा सारी एंट्रीज, आप यहाँ से भी आप एंट्रीज को अपने देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं रिलेटेड टू जीएल अकाउंट, कैसे आप एंट्री पोस्ट कर सकते हो, कैसे आप एंट्री को आप देख सकते हो, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब देखो कोई अगर आपको एडिट करना है जीएल अकाउंट में तो आपको करना क्या होगा, जैसे जीएल अकाउंट है, अब सपोज इसमें मैंने तो सारे जीएल में पोस्टिंग कर दी है, तो जिस जीएल में पोस्टिंग हो रखी है उस जीएल अकाउंट को आप डिलीट नहीं कर सकते, आप एडिट कर सकते हो। सपोज मुझे किसी अकाउंट में एडिट करना है तो मैं रेंट पे ऐसे क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे पेंसिल पे जब आप क्लिक करोगे तब ये एडिट मोड में आ गया। अब आपको इसको आप एडिट कर सकते हो, आपको कोई चीज़ें आपको इसमें अलग से डालनी है तो आप इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हो, देन फिर आप इसको क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो, ठीक है। नो चेंज वॉज कैरिड आउट, मैंने कोई चेंज नहीं किया तो मैंने सेव कर दिया, ओके। हाँ, अब आपको जीएल डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए क्या करना होगा, आपको फिर इस पर क्लिक करना होगा, लेकिन इसमें ऑलरेडी एंट्री पोस्ट हो चुकी है, तो जिस जीएल में आपकी जीएल में एंट्री पोस्ट हो चुकी है आप उसको आप डिलीट नहीं कर सकते हो इस स्थिति से। नेक्स्ट अकाउंट वाले से मिलते हैं, डिफाइन सैंपल डॉक्यूमेंट। अब सैंपल डॉक्यूमेंट होता क्या है, F-0 है सैंपल डॉक्यूमेंट, आप सबको पता है। आपने क्या कर रखा है, एक डॉक्यूमेंट अपना सैंपल बना रखा है, आपको बार बार एंट्री पोस्ट करने से बचने के लिए आपने अपना एक सैंपल डॉक्यूमेंट बना रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ से आप सैंपल डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, इसका भी तरीका वही है सैंपल डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का। मैंने कभी ज़्यादा क्रिएट किया नहीं है, एक सेकेंड फोटो मैंने डाल दिया, और मैं कैश को डेबिट करना चाहता हूँ तो 40 रेंट को, रेंट मैंने डाल दिया, सॉरी रेंट का जीएल क्या है, FS00 ये हमारा रेंट का जीएल है, रेंट का 4 लाख का जीएल है, यहाँ 4 लाख डाल दो, ओके। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, इन कंपनी कोड अनु द नंबर इन 02 इज मिसिंग, तो आपको नंबर इन 02 बनाना होगा, बिकॉज जब आप सैंपल डॉक्यूमेंट पोस्ट करते हो तो उसके लिए आपको एक अलग सा नंबर रेंज बनाना पड़ता है, और जो ये बाय डिफॉल्ट ये देता है, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको इधर का ये रीजन बता देगा क्यों नहीं हो रहा, कि डॉक्यूमेंट टाइप यू स्पेसिफाइड हैज बीन एलोकेटेड टू नंबर रेंज इन फाइनेंशियल 2020 दैट हैज नॉट बीन क्रिएटेड। तो हमें क्या करना होगा, पहले इसको क्रिएट करना होगा, और डॉक्यूमेंट हम कैसे क्रिएट करते हैं, चलो हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफाइन नंबर रेंज फॉर डॉक्यूमेंट FBN1। एक हम न्यू विंडो जो हमारे पास खुला हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे खोल लेते हैं NFBN1। अनु पे क्लिक किया, इंटरवल पे किया, देखो आपने सिर्फ 1 बना रखा है, अब यहाँ पे आपको 2 बनाना होगा। यहाँ पे आप एक न्यू एंट्री कर सकते हो, इंसर्ट लाइन, यहाँ पे आप 02 डाल दो, ईयर डाल दो 2020, इसकी भी रेंज मैं अलग से मुझे डालनी पड़ेगी, तो इसके लिए मैं सपोज 10,000 से डाल देता हूँ, 10,000 से 20,000, ओके। इसको सेव कर दो, इंटरवल इंटर इंटरवल विदाउट ओवरलैप्स, ओवरलैप्स क्यों कर रहे हैं, एक लाख 10,000 1 लाख हो गया ना, 1 लाख से 2 लाख, ये बन चुका है, आप देखते हैं। अरे यार इन कंपनी को डालो दी नंबर इन X2 इज मिसिंग, एक X2 भी बनाना पड़ेगा हमें, न्यू लाइन इंसर्ट करो, अरे यार
एक्स टू 2020 के लिए इसको बना देते हैं 2 लाख 1 से, दो लाख एक से 3 लाख, चलो 30,000 3 लाख। चला गया। अब अमाउंट डालो इसमें, 40 से जो हम डेबिट कर रहे हैं उसका अमाउंट डाल दो 15,000 रुपये। हम एक 15,000 का टेम्पलेट बना रहे हैं, और 50 यहाँ डाल दो कैश के लिए। और कैश का अकाउंट कितना है? कैश का अकाउंट है हमारा 2 लाख का, 2 लाख कैश का अकाउंट है, 2 लाख हमारा, 2 लाख डाल दो, इंटर करो, नेक्स्ट पेज पे गया, स्टार करो, इंटर करो, एंड यहाँ से डॉक्यूमेंट में जाओ, ये हो गया। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो मेरा डॉक्यूमेंट पोस्ट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट 2 लाख 1 वाज स्टोर्ड, स्टोर्ड हो गया ना डॉक्यूमेंट, देखो स्टोर्ड हो चुका, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट हमारा स्टोर्ड हो गया 2 लाख 1। अब आपको स्टोर डॉक्यूमेंट को देखना है तो डॉक्यूमेंट में जाओ, डिस्प्ले पे जाओ, एंड ये देख सकते हो आप 2 लाख 1 आपके यहाँ पे वो रखा है डॉक्यूमेंट नंबर। अब जब आपको इसको पोस्ट करना होगा सैंपल डॉक्यूमेंट को, तो आपको करना क्या होगा, एक सेकेंड, सैंपल डॉक्यूमेंट को पोस्ट करने के लिए एक टीप हो जाता है, पोस्ट चेन होल्डिंग पोस्ट लाइन आइटम अकाउंट बैलेंस अकाउंट सैंपल डॉक्यूमेंट। ये तो इसमें डॉक्यूमेंट दिखा दिया है, एक डिस्प्ले में डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट अदर डॉक्यूमेंट, बैक करते हैं। ये डॉक्यूमेंट तो सेव हो चुका है ना हमारा ऑलरेडी। अब इसके डिस्प्ले पे हमने क्लिक किया तो डॉक्यूमेंट तो आता रहे, यहाँ पोस्ट करने पे हमें कहा है डिस्प्ले एंड चेंज, ये डिस्प्ले में चेंज आ रहा है। यार ऊपर ही आता था अदर डॉक्यूमेंट चेंज डॉक्यूमेंट डिस्प्ले पोस्ट विथ रेफरेंस, ये रहा पोस्ट विथ रेफरेंस, यहाँ पे आप क्लिक करो, डॉक्यूमेंट नंबर अभी जो हमारा जनरेट हुआ था कितना हुआ था 2 लाख 1, ये हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे डू नॉट प्रपोज अमाउंट, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो अमाउंट नहीं प्रपोज करेगा, मतलब जो अमाउंट हमने उसमें डाल रखा है वही ले लेगा, तो हम इस पर क्लिक नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है, एंट्री करो, आपको ये एंट्री दिख गई है। अब आपको इसको पोस्ट करना है तो क्लियर सेव कर दो डॉक्यूमेंट, 1 लाख वाज पोस्टेड इन कंपनी को डालो। अब ये डॉक्यूमेंट क्या हुआ, पोस्ट हो चुका है। तो हमने क्या किया, पहले सैंपल डॉक्यूमेंट क्रिएट किया एंड फिर हम इसको पोस्ट कर दिया। तो ऐसा कब हम करते हैं, मानो हमें मंथली रेंट देना है तो हर एक मंथ की हम फर्स्ट डेट को क्या करेंगे, सीधे जाएंगे डॉक्यूमेंट देखेंगे एंड पोस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से होता है। अब पार्किंग डॉक्यूमेंट FB50 पे आप डॉक्यूमेंट को आप पार्क कर सकते हो। ये डॉक्यूमेंट पार्क कब होता है, सपोज मान लो कोई अमाउंट हायर अमाउंट है, तो हायर अमाउंट के केस में क्या होगा कि आपके पास पोस्टिंग की अथॉरिटी नहीं है, तो आप क्या करोगे डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लोगे, एंड क्रिएट करके यहाँ पे देखो क्या बोलते हैं, पार्क डॉक्यूमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा,
एज कंप्लीटेड, एक सेकेंड पहले एंट्री करना पड़ेगा मुझे तब शायद। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सैलरी को लेता हूँ 4 लाख, 4 लाख 1। यहाँ पे मैंने सैलरी को डेबिट किया है एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कैश को क्रेडिट कर देता हूँ। अमाउंट कितना डाल दिया मैंने, 10,000 डाल दिया है। डॉक्यूमेंट डेट कुछ नहीं है, पोस्टिंग डेट, डॉक्यूमेंट डेट डालना पड़ेगा यार। 29, अब देखो ये बन चुका है। अब यहाँ पे देखो सेव सेव पार्क डॉक्यूमेंट एज कंप्लीटेड, ठीक है। अब इस पर क्लिक किए, अब क्या हुआ डॉक्यूमेंट 1011 अनु एज पार्क, अभी डॉक्यूमेंट पार्क हो चुका है 1011। अब सपोज मैं कंपनी में हायर अथॉरिटी पे हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट पार्क हुआ। वो कैसे देखोगे, FBV0, तो आप क्या करोगे /NFBV0 पे आप जाओगे एंड यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक वही डॉक्यूमेंट है, आप इस पर क्लिक करोगे, इंटर आपने किया, आपको दिख गई डॉक्यूमेंट पार्क क्या हो रखा है, 10,000 इसने सैलरीज का कर रखा है। अब आप इसको क्या करोगे पोस्ट कर दोगे, डॉक्यूमेंट 1011 पोस्टेड इन कंपनी को डन। अब ये डॉक्यूमेंट क्या हो गया, पोस्ट हो गया जो हमने पार्क किया था, ठीक है। तो ये पार्किंग डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया। होल्डिंग डॉक्यूमेंट का क्या यूज है, होल्डिंग डॉक्यूमेंट का यूज होता है कि सपोज मान लो कि कोई एक ट्रांजेक्शन हुई आज बट उसका अमाउंट क्लियर नहीं हो पा रहा कि वो क्या होने वाला, 10,000 से एंट्री होगा या 1,000 से एंट्री होगा, अमाउंट में कंफ्यूजन चल रहा है। तो आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंट की एंट्री तो पास्ट करोगे लेकिन आप उसको होल्ड करके रख लोगे। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ये यूजर में वांट टू टेम्पररी सेव द डॉक्यूमेंट अंडर फॉलोइंग कंडीशन, जीएल डॉक्यूमेंट इज नॉट कंप्लीटेड, यूजर डज नॉट हैव कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, यूजर वांट टू कंप्लीट और करेक्ट ये डॉक्यूमेंट एट द लेटर स्टेज। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट को आप होल्ड कर सकते हो। तो F-02 पे आपको जाना है एंड यहाँ पे होल्डिंग का ऑप्शन आता है F-02। यहाँ पे क्या हुआ, देखो हेल्प डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, जब आप एंट्री पोस्ट करोगे ना तो आपको हेल्प डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है, तो डॉक्यूमेंट आपका क्या होल्ड है, होल्ड हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर आप उसको रेफरेंस के साथ आप पोस्ट कर सकते हो। रेकरिंग डॉक्यूमेंट, मैंने वही जो स्टार्टिंग में एक सैंपल डॉक्यूमेंट आपको बताया था, रेकरिंग डॉक्यूमेंट भी ऐसा ही होता है। इसके अलावा डिलीट जीएल अकाउंट मैंने आपको बता दिया, रिवर्सल, अब रिवर्सल कैसे करते हैं, FB08, FB08 से रिवर्सल होता है। तो पहले हम एक जीएल अपने अकाउंट जो हमने एंट्री इतनी सारी पोस्ट की है हम उसका डिस्प्ले करते हैं कि हमने कौन कौन सी एंट्री, FBN FBL3 FBL3। इसमें मैं आपको एक डॉक्यूमेंट रिवर्स करके दिखाता हूँ। सपोज ये रेंट का है, अब रेंट में यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर 1010 है, 1010 डॉक्यूमेंट है जो हमने सबसे फर्स्ट टाइम पोस्ट किया था। अब इस डॉक्यूमेंट को हम रिवर्स करेंगे, ये एंट्री थी नहीं, हमने गलती से हमने पोस्ट कर दी, ठीक है। तो अब रिवर्स कैसे करेंगे, इसे रिवर्स करने के लिए हमें करना होगा FB08। हम क्या करेंगे, एक सेकंड देखो, अभी अकाउंट बैलेंस में नोट कर लो हमारे पास कितना अकाउंट बैलेंस है, 45,000 हमारे पास अकाउंट का बैलेंस है और डॉक्यूमेंट नंबर 1010 है। अब इसको हमें रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने के लिए जो हमारी एंट्री है FB08, हम इस पर जाएंगे NFB08, डॉक्यूमेंट नंबर हमने 1010 डाल दिया है, ठीक है। रिवर्सल का आपसे रीजन पूछेगा, भाई आप रिवर्स क्यों करना चाहते हो, तो यहाँ पे ना स्टैंडर्ड रीजन है, ऊपर के चार ही हैं, आप इसी में से आप कोई रिवर्सल इन क्लोजिंग पीरियड, रिवर्सल इन क्लोज पीरियड, आप इसी में से कोई एक रीजन सेलेक्ट करना और जस्ट आप इंटर करो। 1010 आ रहा था ना, पोस्टिंग डेट आज का डेट है ना, 28 को हमने डाला था सर,
सेकंड, रिवर्सल रीजन वन इज नॉट परमिटेड, पोस्टिंग डेट 29। ओके 29 कर दो, 29.08 2020। एक सेकंड में रीजन चेंज करना पड़ेगा क्या? एक्चुअल रिवर्सल इन ग्रेन पीरियड, रिवर्सल ये हमें डॉक्यूमेंट दिख गया एंड अब इसको रिवर्स करना है। फिर से आप इसको बैक करो, डॉक्यूमेंट ये हमारा क्या हो चुका है, रिवर्स हो चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कैसे पता चलेगा कि डॉक्यूमेंट रिवर्स हुआ है? आपको यहाँ पे जाके ना इसकी बैलेंसेस को आपको चेक करनी है। यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन है, देख सकते हो आप यहाँ पे। देखो अभी डॉक्यूमेंट हमारा क्या हुआ, रिवर्स हो गया 10,000 को, और पहले हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस था, 45,000, अब वो 35,000 हो चुका है। तो आप इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हो, आप रिवर्स कर सकते हो। अभी मास रिवर्सल है, अगर मान लो आपके पास मोर देन वन डॉक्यूमेंट है तो आप कैसे रिवर्स करोगे, मैं देख दिखा के बताता हूँ। F.08 एंड F.80। अब यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ कंपनी को डालना है, डॉक्यूमेंट नंबर कितना से कितना तक आप रिवर्स करना चाहते हो। इसमें भी हो सकता है कि सपोज आपके पास ना बहुत सारे इंटरवल्स अलग अलग हो, जैसे 1 से लेकर आप 100 तक करना चाहते हो, फिर आप 201 से 301 तक करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे आप जाके आप सिलेक्ट कर सकते हो, अलग अलग आप रेंज बना सकते हो। सिलेक्ट रेंज, आप यहाँ पे जाके आप रेंज जितना बनाना चाहते हो आप रेंज बना के डॉक्यूमेंट रिवर्सल कर सकते हो। ठीक है, हमने इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंट पोस्ट ही नहीं किया कि इतना ज़्यादा हम रिवर्सल कर पाएंगे। और फिर आप नॉर्मली स्क्रूट पे करोगे, स्क्रूट करोगे, बस सेम वही तरीका है, बट वहाँ पे हम सिंगल डॉक्यूमेंट को हमने रिवर्स किया था, यहाँ पे मोर देन वन डॉक्यूमेंट रिवर्स हो रहा है। ठीक है, तो डिस्प्ले डॉक्यूमेंट FD03, आपको अपने कोई डॉक्यूमेंट को देखना है तो आप कर सकते हो NFD03। यहाँ पे आप कोई सा भी अपना डॉक्यूमेंट नंबर डालो, इंटर करो एंड यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट की ट्रांजेक्शन आपको दिख जाएगी, जो भी आपको डॉक्यूमेंट देखना है। जैसे ये अभी हमने जो दिख रहा है ट्रांजेक्शन, ये हमेशा लास्ट डॉक्यूमेंट को दिखाएगा, ये लास्ट डॉक्यूमेंट वो है जो हमने रिवर्स किया है, अभी वो रिवर्सल का ये डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। मैंने जो कुछ भी बोला था मैंने सारा कुछ मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट करवा दिया है। फिको की बेसिक सीरीज मैंने एंटायर कंप्लीट करवा दी आपके लिए, एंड होप सो आपको ये सारी सीरीज देखने में काफ़ी अच्छा लगे। तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर करो कि मैक्सिमम लोगों को इसका एडवांटेज मिले। अब ये बैंकिंग स्ट्रक्चर बहुत लंबा है, कैश मैनेजमेंट होता है, जब आप जस्ट लाइक ए कैश बुक होता है कि हम कैश बुक को अपने आप मेंटेन कर सकते हैं। ACP में भी जैसे बार बार आपको एक्सपेंसेस बहुत सारे हैं और सारे एक्सपेंसेस को आपको कैश से डेबिट करना है, तो आप कैश बुक को आप मेंटेन कर सकते हो, कैश मैनेजमेंट कर सकते हो, जहाँ पे आप सारे इंट्रीज को एक सिंगल विंडो में आप पोस्ट कर सकते हो। अकाउंट पेबल है, इसका और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, बट इतना आपको आ चुका है कि आप SAP में जाके एंट्री पोस्टिंग तो आप कर सकते हो इतनी सीरीज देखने के बाद। ठीक है, होप कि आप सबको मेरी सारी वीडियोज अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करो। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करो एंड मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो सीरीज को आप पहुँचाओ। थैंक्स, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।